रामबाबू पुत्र मोतीलाल ग्राम लहुरीमऊ काशीपुर तहसील घाटमपुर जनपद कानपुर नगर का निवासी है। रामबाबू का जिसका गाटा संख्या 00326 गाटा 1171 रकबा 0.8600 खतौनी में दर्ज है। आरजी मौके पर कम है। जल जीवन मिशन के द्वारा पानी की टंकी बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है, जो कि प्रस्ताव गाटा संख्या 1171 गमे है। जल जीवन मिशन के द्वारा पानी की टंकी बनाने के प्रस्ताव आरजी को चिन्हित न करके आराजी 1171 का पर जबरन निर्माण किया जा रहा है। रामबाबू के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और ऊपर से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने को धमकी दी जा रही है और सरकारी अधिकारी द्वारा कहा जा रहा है अगर काम में बाधा डाली तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुमको तथा तुम्हारे परिवार को जेल भेज देगी। जबकि 1171 का भूमिधर है। यहां की आराजी सांख्य का क्षेत्र लेखपाल व राजस्व निरीक्षक व उपजिला अधिकारी कहते हैं कि हम इसकी पैमाइश नहीं करेंगे, जबकि की पैमाइश फाइल 26 नवम्बर 2022 को दाखिल की गयी थी। अभी तक इसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। 1171 से किसान का रकबा 86.00 है और जिसमें किसान का रकबा 16.10 रोड में चला गया। किसान का रकबा बाकी 3.08 बचा है। पीड़ित ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी भू माफिया पर चलता है बुलडोजर, उनके अधिकारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। हमारा राम बाबू सहना के जनपद के निवासी, हम ग्राम लहरी मऊ कानपुर नगर के निवासी। क्या बोल रहे हैं? हमारा खेत का मामला, हमारा खेत रोड में खेत हमारा 4 बीघा 4 फीट का है, जिसमें हमारा रोड में 16 फीट में चला गया है। हम ये कहते हैं कि हमारा खेत नाम करके दे दिया जाए। ये कहते हैं आपका खेत नहीं नपेगा, आप चाहे कोर्ट चले जाओ चाहे जहाँ चले जाओ, खेत आपका नहीं नपेगा। टंकी नहीं बच के रहेगी और टंकी में आकर निस्तारण के टंकी में आकर हम बात बनवा लगा देते हैं तो हम आपको जेल भेज देंगे। इस संबंध में क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अमर सिंह निषाद है और मैं कानपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये हमारे काश्तकार हैं और ये क्लाइंट है। ग्राम लहुरी मऊ तहसील घाटमपुर जिला कानपुर नगर। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि वहाँ के अराजी नंबर 1171 का जो 4 बीघा 4 बिसवा रकबा मेरा पैतृक रकबा था, जिसमें से कि 16 बिसवा रकबा चांदपुर मार्ग रोड में निकल गया और 1171 खा राम लखन का था, जो उनके वारिसों को इस समय है, उसमें से 10 बिसवा नंबर रोड में वो भी गया, 4 बिसवा उनकी शेष बची। अब हमारा जो 3 बीघा 8 बिसवा जमीन जो बच रही है वो रोड से किनारे से ही थी और उसी रकबे में 1171 गा जो ग्राम समाज थी, तो वहाँ पे एक टंकी का प्रस्ताव आया तो वहाँ मौके में जाके SDM तहसीलदार और नायब तहसीलदार वहाँ पे जाके वहाँ नींव खुदवा दी, मेरी जमीन पे नींव खुदवा दी। हमने उसका विरोध किया कि ये जमीन मेरी है, लेकिन वो कहते हैं नहीं आपकी जमीन पीछे है। हमने ये भी कहा कि ये मेरी जमीन पीछे कैसे है, मेरी जमीन में जब 16 बिसवा से रोड निकल गया तो उसी से लगी हुई मेरी जमीन होनी चाहिए। इसकी शिकायती प्रार्थना पत्र मेरे क्लाइंट ने DM साहब को भी दिया था और SDM साहब को भी दिया और अपने क्षेत्रीय सांसद महोदय देवेंद्र भोले जी को भी दिया, तो उन्होंने लिख कर मार्क कर दिया अधिकारियों के, इसको तत्काल निस्तारण किया जाए। फिर भी अभी 1 दिसंबर को नायब तहसीलदार मौके में गए और चूना डलवा के बाद जबरियन वहाँ नींव खुदवा दी और बोले कि अगर तुम ज़्यादा सरकारी कार्य में बाधा डालोगे तो हम तुमको जेल भेज देंगे। अभी तक तो हमने सोचा था कि सरकार भूमाफियों से जमीन छुड़ा के काश्तकारों को दे रही है, लेकिन आज तो उल्टा देखने को मिल रहा है कि अधिकारी खुद काश्तकारों की जमीन में बाजबरियन निर्माण का कराया जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो मेरी जमीन है वो मेरी नाप के किनारे कर दी जाए, रोड से लगी हुई जो जमीन है, इनका रकबा जो सरकारी है उनका पीछे है, क्योंकि उत्तर दिशा हमेशा राज्य की उत्तर दिशा में ही काखा होंगे, गा तो दक्षिण दिशा में ही जाएगा। इस मामले को लेकर के आप किसी अधिकारी से मिले हैं? मेरे क्लाइंट ने सीधे नायब तहसीलदार से भी मिले, SDM साहब से भी मिले,
और तहसीलदार से भी मिले। क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले नहीं, उसको निर्माण होने दीजिए, आप नाप का मुकदमा डालिए। जबकि मेरे क्लाइंट ने 2022 में घाटमपुर में चाटबंदी का एक मुकदमा डाला था कि मेरी जमीन पैमाइश कर दी जाए, लेकिन आज तक उसका निस्तारण नहीं किया गया, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ करना होता है, इसलिए आज तक नहीं निस्तारण किया गया। इसके बाद लिखित प्रार्थना पत्र हमने कई दिए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से कि हमारा इसका क्लाइंट का न्याय मिल जाए, उसको उसकी जमीन मिल जाए। अगर वो उनकी जमीन है तो उनकी पीछे है, वो ले जाके, जब उसी नंबर से हमारा चाहे 16 विश्वा रोड निकल गया है, शेष जमीन मेरी बची हुई है और SLO ऑफिस ने भी लिख के दे दिया है कि 16 विश्वा उनकी जमीन रोड में गई है। तो जब रोड से लगी हुई जमीन मेरी रोड में गई है तो शेष जमीन तो रोड से ही होगी ना, कि वो दूसरी जगह चली जाएगी। अब ये अगर वो चाहें तो अपने सीधे किसान से बात कर सकते।